हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12th क्लास का बुक 2 का एक चैप्टर है इश्यू ऑफ डिबेंचर। और इश्यू ऑफ डिबेंचर की रिक्वेस्ट मैं उन्हीं बच्चों से करूंगा जिन बच्चों ने एक चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर पढ़ रखा हो। तो इस समय का मोमेंटम यह है कि 2019 जो बच्चे एग्जाम में अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो काफी स्कूलों ने काफी तेजी से कोर्स करवा दिया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इश्यू ऑफ डिबेंचर की एक वीडियो बनानी पड़ रही है, इससे उनको हेल्प मिल जाएगी। तो पर रिक्वेस्ट यह है कि इश्यू ऑफ डिबेंचर की वीडियो, फिर मैं कह रहा हूं, वही स्टूडेंट रेफर करें जिन्होंने चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ा। छोटा चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो बड़े इतना से समझिएगा, ये इश्यू ऑफ शेयर की तरफ बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। और मेरा विजन भी 12th पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाने का है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि इश्यू ऑफ डिबेंचर में कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसमें जो सबसे पहला टाइप हमारे पास आता है Type-1। Type-1 को हम लोगों ने ये नाम दिया है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, सेम एज इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ डिबेंचर सेम एज इश्यू ऑफ शेयर, यानी जिस तरीके का जो रूल हमने इश्यू ऑफ शेयर्स के पढ़े, उसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने पढ़ी, लगभग सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इश्यू ऑफ डिबेंचर की भी होती है। तो पहला टाइप यही पढ़ाया जाता है। सेकेंड टाइप हमें यह पढ़ाया जाता है Type-2। अब Type-2 में हमें यह कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है। Type-3, Type-3 में हमें पढ़ाया जाता है इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश कंसिडरेशन। Type-4, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट 6 कंडीशंस, 6 कंडीशन पे इश्यू ऑफ डिबेंचर है। Type-5, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। और Type-6, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। हालांकि जो Type-6 है, अब इसका बहुत शॉर्ट तरीका हमारे कोर्स में रखा गया, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मेरे एग्जाम के अंदर इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर आ रहा है, तो ऐसा स्टूडेंट इन 6 टाइप के क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करे। और अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मेरे पास अब टाइम ही नहीं बचा, कि सर जिस समय मैं आपकी वीडियो देख रहा हूं उस समय मेरे पास सिर्फ कल ही मेरा पेपर, बिल्कुल ही इमरजेंसी आ गई है, तो बिल्कुल अगर इमरजेंसी आ गई है तो इस चैप्टर में ऐसा कहा जाता है कि ये चैप्टर इस टॉपिक के लिए बनाया गया, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट 6 कंडीशन। और उसके अलावा भी अगर पढ़ना चाहता है तो इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ये दो टॉपिक इमरजेंसी में पढ़ सकता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर, मैं सीबीएसई बोर्ड 2020 की तैयारी कर रहा हूं और मुझे इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर ढंग से पढ़ना है, मेरे पास टाइम है, तो ऐसा स्टूडेंट स्टार्टिंग से पढ़े और शुरुआत करें इश्यू ऑफ डिबेंचर, सेम इश्यू ऑफ डिबेंचर सेम एज इश्यू ऑफ शेयर्स Type-1। आज की क्लास का टारगेट, आज की वीडियो का टारगेट ये है कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। बहुत आसान है, लेकिन शर्त यह है कि उस स्टूडेंट ने चैप्टर पढ़ा हो इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ने वाला स्टूडेंट ही इस टाइप को आराम से समझ सकता है विद इन 5 मिनट। तसल्ली से मुझे टाइम दीजिए, देखिए जरा फर्स्ट टाइप क्या कहता है। देखिए Type-1, Type-1 में हमने लिखा सेम एज इश्यू ऑफ शेयर्स। इसका मतलब यह कि हम स्टूडेंट को पहले याद दिलाते हैं कि आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या पढ़ा। लगभग वहां आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसे रखा जाता था, शेयर्स इश्यूड 1 लाख, और सपोज कीजिए एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए। मान लीजिए अब जिस बच्चे ने इश्यू ऑफ शेयर पढ़ा है वो उसकी डिटेल नॉलेज जानता है कि शेयर 10 रुपए का है तो कंपनी प्रीमियम पे भी इश्यू कर सकती है,
तो वो सारी बातें आप जानते हैं। फिलहाल एप्लीकेशन मनी है मान लीजिए 2 रुपए और अलॉटमेंट मनी है मान लीजिए 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी है 5। ये शेयर इशू का क्वेश्चन है। फिर एप्लीकेशन रिसीव, हो सकता है एप्लीकेशन रिसीव 1 लाख आ जाए, हो सकता है एप्लीकेशन रिसीव 95,000 आए, हो सकता है एप्लीकेशन एक्सेस आ जाए, यानी कि 1,20,000। क्या ट्रीटमेंट होती है आप सब जानते हैं। खैर मैं वहां जाना नहीं चाहता। अब समझना ये कि चैप्टर से हम इशू ऑफ शेयर नहीं पढ़ रहे, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर। तो मैंने कहा देखो बेटे, जो चीज आप शेयर में पढ़कर आए हो डिटो वही चीज इशू ऑफ डिबेंचर में भी होती है। यानी क्वेश्चन की शुरुआत इसकी ऐसे होगी, 10% डिबेंचर इशूड, इस तरह से क्वेश्चन में लिखा होगा कि 1000 डिबेंचर एट द रेट 100 ईच, इस टाइप की लैंग्वेज लिखी होती है क्वेश्चन के अंदर। अब स्टूडेंट कहते हैं सर यहां लिखा होता है शेयर इशू, यहां पे लिखा हुआ है डिबेंचर इशू, ये बात नहीं समझ में आ रही है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 10% का मतलब क्या है। तो मैंने स्टूडेंट को ये समझाया कि जिस समय मैं इशू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें मैंने एक बात कही थी कि जो लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं वो कंपनी के ओनर बन जाते हैं, लेकिन जो लोग कंपनी के डिबेंचर खरीदते हैं वो ओनर नहीं होते। डिबेंचर का मतलब ये होता है कि एक तरह से उन लोगों ने कंपनी को उधार दिया, यानी कि लोन दिया। अब ये बताओ बेटे कि अगर लोन दिया है तो लोन के ऊपर कंपनी को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट का जो रेट है वो कंपनी पहले ही डिफाइन कर देती है हर किसी डिबेंचर के साथ, स्टार्टिंग में परसेंटेज लिखी होगी। कोई डिबेंचर बिना परसेंटेज के लिखा ही नहीं होता, और जो परसेंटेज ये लिखी होती है दरअसल ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो आप पहली बात ये समझ लीजिए कि अगर 6% डिबेंचर लिखा है तो इसका मतलब कंपनी ने जो आपसे लोन लिया है उसके ऊपर कंपनी 6% इंटरेस्ट दे रही है। अगर 12% डिबेंचर लिखा है इसका मतलब अगर कंपनी ने आपसे लोन लिया तो 12% इंटरेस्ट देगी। अगर मान लीजिए 15% डिबेंचर लिखा है तो अगर लोन आपसे लिया है तो उस पर 15% इंटरेस्ट देगी। इसी तरह से अगर मैंने ये 10% डिबेंचर लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने आपसे जो लोन लिया है उसके ऊपर कंपनी आपको 10% इंटरेस्ट देगी। हमें अभी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करनी, अभी फिलहाल एक बात समझ में आई कि कंपनी डिबेंचर इशू किया 10%, कितने डिबेंचर इशू किया 1000, एक डिबेंचर कितने रुपए का है 100 रुपए। ये लैंग्वेज ठीक वैसी ही है जैसे आपने लैंग्वेज शेयर्स में पढ़ी थी कि कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है 1 लाख, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10, और कंपनी उस पैसे को इंस्टॉलमेंट में मांग रही है। हो सकता है कंपनी 10 रुपए के 10 रुपए इकट्ठे मांग ले, हो सकता है कि 100 रुपए के 100 रुपए भी इकट्ठे मांग ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर फिलहाल अभी देखते हैं कंपनी ने 100 रुपए कैसे मांगे। एप्लीकेशन के साथ कंपनी कहती है 50 रुपीज, अलॉटमेंट के साथ कंपनी कहती है 20 रुपीज, फर्स्ट और फाइनल कॉल के साथ कंपनी कहती है 20 रुपीज। अब हमें ये सीखना है कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है। अभी मैं ये दिखा रहा था कि जैसा क्वेश्चन शेयर का होता है डिटो आप देख रहे हैं वैसे ही लैंग्वेज ये डिबेंचर में भी लिख रहा है, तो क्या करें। तो मैंने स्टूडेंट को कहा कि क्योंकि आपने शेयर का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो मुझे बता सकते हो कि अगर मैं यहां कहूं कि एप्लीकेशन रिसीव भी 1 लाख ही है, मान लो मैं ये कहता हूं, तो पहली जो एंट्री आप लोगों ने इशू ऑफ शेयर में जो पढ़ी होगी वो एंट्री पढ़ी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर आपको याद हो तो आपने ये एंट्री पढ़ी। फिर आपने ये देखा कि एप्लीकेशन के साथ कितना पैसा मांगा है, 1 लाख शेयर है, 2 रुपए के हिसाब से ये अमाउंट 2 लाख रुपए बन गया। आपने ये एंट्री ऐसे की। अब यहां पर देखिए, यहां पर एप्लीकेशन रिसीव कितनी है, मान लीजिए एप्लीकेशन रिसीव यहां पर 1000 ही मान लेते हैं क्योंकि हमने 1000 डिबेंचर इशू किया। तो ये बताओ बेटा यहां पर पहली एंट्री क्या होगी, सेम एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ये देखो बेटा यहां पे लिखा था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसने यहां पर लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बस अमाउंट भरने का तरीका वही है, 1000 शेयर है, 50 रुपए के हिसाब से ये अमाउंट हो गया 50,000 रुपीज। यानी कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने ऊपर जो हेडिंग डाला है सेम एज इशू ऑफ शेयर्स, वो हेडिंग गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। जैसे इशू ऑफ शेयर्स पढ़ते हैं सेम वैसे इशू ऑफ डिबेंचर की भी गारंटी कर रहे हैं हम लोग। अब जब ध्यान से देखो कि इसके अंदर बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या करते थे, इशू ऑफ शेयर पहली एंट्री आपने कर दी बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अब दूसरी एंट्री आप यहां करते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और ये पैसा आप ट्रांसफर कर देते थे
टू शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। अगर आपको याद है तो शेयर एप्लीकेशन और डेबिट टू शेयर कैपिटल। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, वो बच्चा इस वीडियो को ना देखे जिसने इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर नहीं पढ़ा है, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर उसने इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ा है, वो इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर का एक्सपर्ट है, उसे ये बिल्कुल समझ में आएगा, कोई टेंशन ही नहीं। तो फिलहाल ये अमाउंट यहां पर आता है 2,00,000। तो ये एंट्री यहां पर, अब जरा यहां देखें डिबेंचर में एंट्री क्या होगी। ये एंट्री कर देते हैं शेयर एप्लीकेशन और डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां पर एंट्री क्या होती है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। अब यहां पर शेयर कैपिटल वर्ड लिख सकता, कैपिटल का मतलब होता है कि वो पैसा जो आप अपने बिजनेस में लगा रहे हैं। अब कंपनी ने पैसा उधार लिया है तो कंपनी यहां पर लिख देती है 10% डिबेंचर अकाउंट। 10% डिबेंचर मतलब आप चाहे तो यहां पे लोन अकाउंट भी लिख सकते हैं, पर परमिट नहीं है। कंपनी लॉ बॉडी कहता है कि लोन अकाउंट ना लिखिया, लोन अकाउंट की जगह पर आप उस डिबेंचर का नाम लिख लीजिए जो आपने परसेंटेज में इश्यू किया। अब हमने 10% डिबेंचर इश्यू की तो हमने 10% डिबेंचर लिख दिया। डिबेंचर मतलब लोन, इसीलिए मैं यहां से लोन अकाउंट को काट रहा हूं और आप वर्ड यूज करेंगे 10% डिबेंचर अकाउंट। और यह अमाउंट हमारे पास होगा 50,000 रुपीज। ये देखिए तो क्या समझ में आ रहा है हमारे को, हमें ये समझ में आ रहा है कि बस इतना समझना है कि जहां पर हम यहां पे शेयर एप्लीकेशन लिखते थे ये शेयर डिबेंचर एप्लीकेशन लिखेगा, यहां पर शेयर अलॉटमेंट लिखते थे ये डिबेंचर अलॉटमेंट लिखेगा, यहां पे पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है, यहां पे पैसा परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर होता है। फिर भी बात को और समझते हैं, मैंने ये एप्लीकेशन की एंट्री कर दी है, अब आपको पता है अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। अलॉटमेंट में आप सब जानते हैं पहले ड्यू की एंट्री होती है, इसीलिए पहले हम अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कर रहे हैं। आप सबको याद होगी अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या है, देखिए जरा पहले शेयर के केस में समझते हैं। शेयर के केस में इसकी एंट्री होती थी डिबेंचर, सॉरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आप लोगों ने की। अब यहां पे अलॉटमेंट का पैसा 1,00,000 का 3 रुपए के हिसाब से मांग रहे हैं 3,00,000 रुपए, ये अमाउंट 3,00,000 रुपए हो गया। अब यहां पे अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री आपको समझ आ रही होगी 3,00,000 रुपए 3,00,000। अब जरा इधर आ जाइए, यहां पे अलॉटमेंट मनी मांगने की एंट्री करनी है तो ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के लिए पे क्या वर्ड लिखेगा बेटे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। आप देख रहे हैं कि जो यहां पे शेयर कैपिटल वर्ड लिखा था इसने शेयर कैपिटल वर्ड को रिप्लेस कर दिया 10% डिबेंचर से, ये यहां पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखता था इसने इसको लिख दिया डिबेंचर, सॉरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखा इसने यहां पर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट लिख दिया। अब यहां पर अगली एंट्री बताइए क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये लीजिए बात बिल्कुल खत्म है। अमाउंट कितना है 1,000 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 रुपए, ये अमाउंट यहां पर आ जाएगा 30,000 याद रहेगा, 30,000 याद है। तो हमने देखा कि बिल्कुल शेयर को ही फॉलो करता है, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट कहे कि जैसे आप इसकी फर्स्ट फाइनल कॉल की एंट्री बताओ क्या हुआ ड्यू की, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, ये बताओ एंट्री क्या रहेगा, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट एंट्री करते हैं इसकी। इस तरह से आप समझिए, देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर कोई स्टूडेंट कहता है मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या डिफरेंस बता रहे हो आप दोनों के अंदर, तो मैं उसको हाईलाइट करता हूं कि देख बेटे एक बात समझ, अगर सारी बातें तुमको समझ में नहीं आ रही तो कहने को एक टॉपिक बहुत बड़ा बता रहा है पर है बहुत छोटा सा टॉपिक। देखिए छोटा सा टॉपिक में क्या है कि शेयर के केस में क्या होता है, जरा ये समझिए, ये देखिए शेयर, और डिबेंचर के केस में क्या होता है ये भी समझ लीजिए। देखिए शेयर के केस में क्या है कि वो वर्ड यूज करेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो बताओ बेटा ये क्या वर्ड यूज करेगा, ये वर्ड यूज करेगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बताइए ये वर्ड यूज करता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो बताओ बेटा ये क्या वर्ड यूज करेगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अब बताओ बेटा ये वर्ड यूज करेगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ये क्या वर्ड यूज करेगा डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बिल्कुल सीधी बात है। दूसरी बात, ये सारा पैसा किसके लिए मंगाया था उसने, शेयर कैपिटल के लिए, इसलिए ये हमेशा सारा पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, लेकिन जहां पर ये शेयर कैपिटल लिखता है उसकी जगह पर ये यहां लिखता है परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, खत्म।
यानी कि किसी बच्चे ने अगर शेयर का चैप्टर पढ़ा हुआ है और वो कहता है कि सर शेयर के चैप्टर में शेयर कैपिटल की जगह पे क्या लिखना है, तो मैं कहता हूं बेटा सिर्फ परसेंटेज डिवेंचर लिखो, सेम एंट्री इशू डिवेंचर की हो जाएगी, बात खत्म हो गई। सिचुएशन को जरा आप समझिए, कह रहा सर ये केस बनता है। अब जैसा मर्जी क्वेश्चन आप बना लीजिए, जैसा मर्जी केस आप बना लीजिए, सिर्फ इतनी बात का ध्यान रखिए। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा और समझते हैं बात को, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं हमको, यहां पर टाइप वन का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक क्वेश्चन ना तो मैं आपके सामने शेयर का, और फिर वैसे ही क्वेश्चन को हम डिवेंचर में कन्वर्ट करते हैं, देखो तो बात बड़ी जल्दी शायद आपको समझ में आ गई। पहले क्वेश्चन लाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बनाया गया है टाइप वन का फर्स्ट, कि एक्स लिमिटेड इशू 1000 शेयर्स फॉर द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10 ईच एट 20% प्रीमियम, और इसके आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1500 शेयर्स। पहले इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इस केस के अंदर। देखिए जरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी है एक्स लिमिटेड, और उस कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया है, और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी रखी है 10 रुपए, लेकिन कंपनी 20% प्रीमियम पे उसको इशू कर रही है। क्वेश्चन में ये कहीं लिखा हुआ कि एप्लीकेशन पे 2 रुपए है, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट पे इतना, ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो इस लाइन का क्या मतलब है? दरअसल इस लाइन का मीनिंग ये है कि कंपनी ये पैसा इंस्टॉलमेंट में नहीं मांग रही है। कंपनी ने अगर 10 रुपए का एक शेयर इशू किया है 2% प्रीमियम यानी कि 12 रुपए, तो कंपनी 12 के 12 रुपए एप्लीकेशन के साथ ही मांग रही है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है आपके सामने क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने कहा बेटे अगर ये क्वेश्चन शेयर का है और तूने इश्यू शेयर चैप्टर पढ़ा होगा, तो मुझे लगता है पहले उसकी एंट्री करके मैं एक बार आपको दिखाता हूं, ताकि आपको कहीं रिव्यू भी हो जाएगा, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगी, और फिर इसी क्वेश्चन को डिटो हम डिवेंचर क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है। तो देखते हैं पहले एंट्री क्या होती है इस केस के अंदर। सॉल्यूशन आइए, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये कुछ टीचर्स और कुछ बुक ये रेफर करते हैं कि एप्लीकेशन अकाउंट भी लिख सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं उसको लिखेंगे, लेकिन कंपनी क्योंकि सारा पैसा इकट्ठा मांग रही है, और एप्लीकेशन का पैसा भी यही है, अलॉटमेंट का पैसा भी है, फर्स्ट फॉर का पैसा भी यही है, इसलिए कई टीचर ये रेफर करते हैं, कई राइटर भी रेफर करते हैं कि आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट वर्ड दोनों ऐसे क्वेश्चन के अंदर एक साथ यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, जरा मुझे बताओ कि कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमारे को। तो आपने बोला सर 1500 एप्लीकेशन आई है, और एक एप्लीकेशन के साथ 10 रुपए नहीं दे रहे, क्योंकि कंपनी ने शेयर 10 रुपए का इशू नहीं किया, कंपनी ये शेयर 20% प्रीमियम पे मांग रही है, यानी कंपनी 2 रुपए प्रीमियम के भी मांग रही है, तो 10 रुपए की फेस वैल्यू 2 रुपए का प्रीमियम, टोटल कंपनी 12 रुपए मांग रही है। तो 1500 शेयर होल्डर ने पैसा भरा, एप्लीकेशन फॉर्म भरा, 12 रुपए के हिसाब से यह अमाउंट 18,000 रुपीज होगा, तो 18,000 रुपए हमारे पास बैंक में आ गए। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी पैसा क्यों मंगाया था, कैपिटल के लिए, तो हम पहले इस अकाउंट को कैंसिल कर दें, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब आप सब जानते हैं शेयर कैपिटल के अंदर उतना ही पैसा आएगा जितने आपने शेयर इश्यू किए थे, और आपने शेयर इश्यू किए थे 1000, तो 1000 शेयर का पैसा 10 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए शेयर कैपिटल, ये जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट होता है, तो ये तो ठीक है। अब क्योंकि कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किए थे, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जितने शेयर आपने इशू किए थे 2 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए के। कितने शेयर फालतू आ गए आपके पास, 500 शेयर फालतू आ गए, तो उनका पैसा वापस कर दो टू बैंक अकाउंट, 500 शेयर के 12 रुपए के हिसाब से हमने 6000 रुपए वापस कर दिए, और ये एडजस्टमेंट एंट्री आप देख रहे हैं। एक बात मैं फिर बोलना चाहूंगा, ऐसा कोई स्टूडेंट इस वीडियो को ना देखे जिसने इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर नहीं पढ़ा। देखिए मैं इस एजम्पशन पे ही पढ़ा रहा हूं कि बच्चा इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ चुका है, वो उसका एक्सपर्ट है, तो उसे ये बातें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं पढ़ा रहा, मैं बड़ी नॉर्मल सी बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ रिव्यू दिखाने की कोशिश। चैप्टर तो मैंने इश्यू ऑफ डिवेंचर सेलेक्ट किया,
और उसका पहला टाइप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो है सेम एज इश्यू ऑफ शेयर। वो कहता है इस बात को कि जो आप इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में पढ़कर आए हो वो सारी सिचुएशन आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर में भी फेस करनी पड़ सकती है, जो भी आपने वहां पे पढ़ा। तो मैंने अभी इसीलिए जानबूझ के इश्यू ऑफ शेयर का एक क्वेश्चन कराया, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन उठाया, ताकि आपको बस इतना समझाना है मुझे कि बेटे जिस बच्चे ने शेयर पढ़ लिया उसने टाइप वन भी इश्यू ऑफ डिबेंचर का पढ़ लिया, ऑटोमेटिकली पढ़ लिया। पहले देखिए जरा इस सिचुएशन से आप सब सेटिस्फाइड होंगे, इस जर्नल एंट्री में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो देखो मैं इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दूंगा डिबेंचर के क्वेश्चन में। देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे कि एक्स लिमिटेड कंपनी है इश्यू कर रही है 1000 शेयर की जगह पे ये यहां लिखेगा कोमा 12% डिबेंचर। डिबेंचर कभी बिना परसेंटेज के लिखा ही नहीं होता, और मैंने आपको ये बात समझाई भी है कि 12% का मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हालांकि हमसे एग्जामिनर इंटरेस्ट की एंट्री अभी नहीं करवा रहा, इंटरेस्ट की एंट्री में आपको टाइप 2 में करना सिखाऊंगा, सिर्फ परसेंटेज डिबेंचर का मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो 12% डिबेंचर फॉर द फेस वैल्यू रुपीज 10 इज 20% प्रीमियम एप्लीकेशन रिसीव फॉर 1500 डिबेंचर। देखिए अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले शेयर्स का था, अब डिट्टो ये क्वेश्चन उसने केवल जहां जहां शेयर लिखा था वहां उसको हटा दिया, उसके ऊपर क्या लगा दिया डिबेंचर, और खाली डिबेंचर वर्ड लिखते नहीं तो परसेंटेज डिबेंचर। अब देखना जरा यही क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखेंगे, शेयर की जगह पे क्या सिर्फ एक वर्ड हटा रहे हैं, शेयर को हटाओ और यहां पर लिखो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, सेम एंट्री बन गई। अब ये बताओ जितने से क्रेडिट तो शेयर वर्ड यहां से हटाओ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 18,000। उसके बाद यहां पे शेयर कैपिटल, कैपिटल वर्ड लिखना अलाउड है डिबेंचर में नहीं, तो इसको यहां से रब करो और इसकी जगह लिखो 12% डिबेंचर अकाउंट। यही बात बेटे मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, यही सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपने पढ़ा है जहां वो शेयर कैपिटल वर्ड लिखता है वहां ये परसेंटेज डिबेंचर लिखेगा, बाकी सब कुछ से सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किया था वो पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से ही लिखा जाएगा, जो पैसा रिफंड किया था वो आपने रिफंड के नाम से लिखा जाएगा। अब यही क्वेश्चन इश्यू डिबेंचर का लेकिन सॉल्व हो गया। तो पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए कि पहला वर्ड टाइप वन क्या कहता है। सर टाइप वन कुछ नहीं कह रहा है, वो सिर्फ ये कहता है सेम एज इश्यू ऑफ शेयर। अगर आपका स्टूडेंट इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ चुका है तो उसे इश्यू ऑफ डिबेंचर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब स्टूडेंट कहता है सर मैंने वहां ये पढ़ा था इश्यू ऑफ शेयर के अंदर कि कॉस्ट इन एरियर होता है, कॉस्ट इन एडवांस भी हो जाता है। तो मैंने कहा बेटे यहां भी हो सकता है कि अगर हम डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के हिसाब से मांगे तो बस वहां पर कॉस्ट इन एरियर लिखते, यहां भी कॉस्ट इन एरियर एडवांस इतना अलाउड है। वैसे ही बात कहनी नहीं चाहिए क्योंकि 12th कोर्स में इतना एग्जामिनर ने आज तक कभी पूछा नहीं, सीबीएसई बोर्ड ने भी कभी इस पॉइंट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बात बोल देता हूं कि अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मैंने इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर के अंदर प्रोटा के क्वेश्चन भी पढ़े हुए हैं, तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं बेटे डिबेंचर में भी प्रोटा वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, सेम वो जो वर्ड आप वहां पर कह रहे हो सारी वो लैंग्वेज आप यहां भी यूज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट को ये मैटर कन्वे हो गया होगा कि क्या फर्क है डिबेंचर के और इश्यू के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर। सिर्फ वो वहां पे शेयर कैपिटल वर्ड लिखता है, ये यहां पे परसेंटेज डिबेंचर लगता है, बाकी सारा कुछ सेम होता है। इसी को हम सेम टाइप वन कहते हैं। जिस बच्चे ने इश्यू शेयर चैप्टर में मेहनत कर ली है उसमें चैप्टर आता है उसे इसका टाइप वन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका टाइप टू पढ़ाऊंगा, वैसे बता देता हूं कि टाइप टू क्या कहता है। देखिए टाइप टू के अंदर ये बताया जाता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, टाइप टू, और इसका नाम रखा गया है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। मतलब कह रहा मतलब ये कि जब आप डिबेंचर होल्डर को आपने लोन ले लिया पब्लिक से तो पब्लिक को आपको बदले में क्या देना पड़ेगा बेटा इंटरेस्ट। तो जिस समय हम इंटरेस्ट देंगे उसमें उसकी जनरेट्री क्या होगी, अब उसकी जेनेट्रिक क्या होगी ये जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके बनाऊंगा। टाइम की शॉर्टेज है मेरे पास, वरना इस वीडियो को बना सकता था। कुछ स्टूडेंट्स ने भी डिमांड की कि सर वीडियो ज्यादा बड़ी ना बनाए, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम उसके लिए टाइम स्पेयर कर सकें, इसलिए एक एक वीडियो के अंदर मैं आपको टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री इस तरह से हर वीडियो के टाइप के एक्सप्लेन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होगा जो सिक्स कंडीशन वाली वीडियो है उसे कोई मिस मत कीजिएगा, पहले इस वीडियो को देखिए, अगर ये सही ओपन रहती है तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करूंगा टाइप टू को। थैंक यू।